नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं झारखंड जीके का एक प्रैक्टिस सेट जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन है, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लातेहार है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। अब देखिए, बात करते हैं वन रिपोर्ट 2019 से संबंधित जितने भी फैक्टर अराइज हो सकते हैं, सारे के सारे हम एक साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात यह कि ये वन रिपोर्ट हर दो साल में देहरादून के द्वारा जारी किया जाता है। उसके बाद राज्य का वन क्षेत्रफल, कुल वन क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये है 23,611 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो ये लातेहार है। कितना है तो याद रखिएगा 56.08%। वहीं पे सबसे कम अगर बात करते हैं, तो सबसे कम है जामताड़ा में, कितना है 5.56% है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो यह है पश्चिमी सिंहभूम। इसका क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं, पश्चिमी सिंहभूम के क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखिएगा 3,366 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो ये जिला है जामताड़ा। कितना है, ये है 100.664 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। वहीं पे अगर हम चतरा की बात करते हैं, चतरा की, तो चतरा में 2017 के अपेक्षा 2019 में सर्वाधिक वृद्धि हुआ है। कितना किलोमीटर स्क्वायर हुआ है, तो याद रखिएगा 11.35 किलोमीटर स्क्वायर, इसमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। वहीं पे अगर हम रामगढ़ की बात करते हैं, तो रामगढ़ में किसी भी तरह का कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है, कोई भी वृद्धि नहीं हुआ है, अगर हम 2017 से कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि लातेहार। वहीं पर हमने बात किया था पश्चिमी सिंहभूम के बारे में कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो ये पश्चिमी सिंहभूम है। कितना है, 3,366 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद रामगढ़ के बारे में हमने डिस्कस किया कि रामगढ़ में 2017 की अपेक्षा किसी भी तरह का कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है। वहीं पे सर्वाधिक वृद्धि दर्ज किया गया है कहां पर, चतरा में किया गया है। कितना किया गया है, तो 11.35 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है गाइस। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू के, कुंडरू जलप्रपात के जल प्रवाह किस नदी से है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वर्ण रेखा नदी से है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, अगर बात करते हैं स्वर्ण रेखा नदी की, तो इसकी कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई है गाइस 470 किलोमीटर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके उद्गम की, तो उद्गम कहाँ से है, रांची के नगड़ी प्रखंड से इसका उद्गम है। और एकमात्र ऐसी नदी है जो कि स्वतंत्र रूप से कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सहायक नदी की अगर हम बात करते हैं, तो कांची है, खरकई है, जुमारू है, राड़ू है और संजय नदी है। तो ये सारी की सारी नदियाँ क्या हैं, सहायक नदियाँ हैं स्वर्ण रेखा नदी की, ठीक है गाइस। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की, यानी कि दामोदर नदी की अगर हम बात करते हैं, तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है गाइस, ये लातेहार के टोरी, और टोरी में भी कहाँ, चूल्हा पानी स्थान से ये निकलती है। मुहाना की अगर हम बात करते हैं, तो मुहाना है हुगली नदी, जो कि वेस्ट बंगाल में बहती है, आप ऑलरेडी जानते हैं। और इसका कुल लंबाई की बात करते हैं, तो कुल लंबाई कितनी है गाइस, तो 592 किलोमीटर इसका कुल लंबाई है। लेकिन अगर हम झारखंड में कुल लंबाई की बात करते हैं, तो 290 किलोमीटर है, ठीक है। इसके अलावा अगर अपोहा क्षेत्र की बात की जाए, तो अपोहा क्षेत्र कितना है गाइस, याद रख लीजिएगा 12,800 किलोमीटर स्क्वायर इसका अपोहा क्षेत्र है। इसके अलावा और भी अगर हम बात करें दामोदर नदी से रिलेटेड, तो और भी याद रख सकते हैं कि इसे बंगाल का शोक कहा जाता है और देव नदी के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है, दामोदर नदी को। इसके अलावा बात करते हैं, तो सर्वाधिक प्रदूषित, सर्वाधिक लंबी और सर्वाधिक बड़ी नदी भी कौन सी है झारखंड की, तो ये दामोदर नदी है, ठीक है गाइस। अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, ब्राह्मणी नदी की बात करते हैं, तो इसका उद्गम कहाँ से है गाइस, उद्गम की बात करें तो ये दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है। मुहाना की अगर बात करते हैं, तो मुहाना कौन सा है, हुगली नदी है। अगर सहायक नदी की बात की जाए गाइस, तो गुमरो है और एरो है, ये दो नदियां हैं जो मुख्य रूप से इसके सहायक नदियां हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करना चाहें, तो ऑप्शन नंबर डी क्या दिया हुआ है गाइस, मयूराक्षी नदी है। अगर हम मयूराक्षी नदी की बात करते हैं, तो मयूराक्षी नदी कहाँ से निकलती है गाइस, त्रिकुट पहाड़ी देवघर से ये निकलती है। मुहाना की बात करते हैं, तो मुहाना कहाँ पर है, हुगली नदी है। और सहायक नदी की अगर हम बात करते हैं, तो टिपरा और भामरी आप याद रख सकते हैं, टिपरा और भामरी। और एकमात्र ऐसी नदी है ये जो कि नौका गम्य के लिए काफ़ी फेमस है। और हिजला मेला भी कहाँ पे लगती है, तो मयूराक्षी नदी के किनारे दुमका में लगती है, और मोर नदी के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। जुबली पार्क किस शहर में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जमशेदपुर शहर में है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। अब देखिए जमशेदपुर से रिलेटेड कुछ फैक्ट की हम बात करते हैं। तो जमशेदपुर को कारखानों का शहर कहा जाता है, इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है, और भारत का पीट्सबर्ग भी कहा जाता है। कैसे? जमशेदपुर को। और जमशेदपुर में ही है कीनन स्टेडियम, इसके अलावा मोहन आहूजा स्टेडियम है, JRD टाटा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भी कहाँ पर है, तो ये जमशेदपुर में है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की, रांची की, तो रांची को क्या कहा जाता है गैस? ये जलप्रपातों का शहर कहा जाता है, झारखंड का शिमला कहा जाता है, और झारखंड में रांची जिले की स्थापना कब हुई थी गैस? तो याद रखिएगा 1899 ईस्वी में। और झारखंड में ही है अमरेश्वर धाम। हालांकि हमने अखिलेश्वर धाम के बारे में डिस्कस किया था पहले ही वीडियो में, तो अखिलेश्वर धाम कहाँ पर है? तो लोहरदगा में है। और झारखंड धाम कहाँ पर है? तो ये गिरिडीह में है, ये भी याद रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट स्टेडियम की बात करते हैं रांची में, तो शेख भिखारी स्टेडियम है, जयपाल सिंह स्टेडियम है, रेलवे स्टेडियम और एस्टो टर्फ स्टेडियम भी कहाँ पर है? तो ये रांची में है। इसके अलावा बिरसा मुंडा स्टेडियम भी रांची में है। HEC का नाम आपने सुना होगा, HEC जो कि हटिया रांची में स्थित है, जिसकी स्थापना 1958 को हुई थी, ये भी कहाँ पर स्थित है? तो ये भी रांची में स्थित है। और रांची के मूरी में एल्यूमिनियम उद्योग भी स्थित है, जिसकी स्थापना 1938 में हुई थी, आप देख लीजिएगा। उसके अलावा सूर्य मंदिर बुंडू रांची में ही स्थित है। ठीक है गाइस, ओके। चलिए अगर बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, गिरिडीह की अगर हम बात करते हैं, तो देखिए गिरिडीह जैन तीर्थंकरों का निर्वाण भूमि कहा जाता है गिरिडीह जिला को। और गिरिडीह जिला कब बना था गाइस? तो याद रखिएगा 1956 में ये जिला बना था गिरिडीह। ठीक है, इसके अलावा आप बात कर सकते हैं गिरिडीह के बारे में कि खंडोली पहाड़ी है, खंडोली डैम है, उसी जलप्रपात भी कहाँ पर है? गिरिडीह में है। गिरिडीह में एक फेमस पारसनाथ है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसकी ऊंचाई पूछ लिया जाता है गाइस, तो ऊंचाई याद रखिएगा कि 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है, मीटर में अगर हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम फीट में बात करते हैं तो 4478 फीट है, अगर हम फीट में बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए कि पारसनाथ पहाड़ी का निर्माण किससे हुआ है, तो पायरोक्सिन ग्रेनाइट के कठोर चट्टान से हुई है, और ये हजारीबाग के निचले पठार में स्थित है, ये भी याद रख सकते हैं। और ये पारसनाथ पहाड़ी जो है वो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से संबंधित है, ये भी याद रख सकते हैं। और अभी हमने बताया कि गिरिडीह में ही झारखंड धाम स्थित है, उसरी जलप्रपात स्थित है। इसके अलावा बाबूलाल मरंडी का आपने नाम सुना होगा, ये भी गिरिडीह से ही बिलोंग करते हैं। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, धनबाद की, तो धनबाद से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो सकता है सारे के सारे हम एक साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात यह कि धनबाद को काले हीरे की नगरी कहा जाता है, और इसकी स्थापना कब थी, यानी कि धनबाद जिला कब बना था गाइस? तो याद रखिएगा 1956 में ये क्या बना था? जिला बना था। इसके अलावा कतरास का किला भी आपको धनबाद में देखने को मिलेगा। उसके बाद कुछ पर्यटन स्थल की बात करते हैं, तो शक्ति मंदिर है, भूफोर मंदिर है, लिलोरी मंदिर, झिंझिनी मंदिर, और कुमार धोबी गिरजाकर भी कहाँ पर है? तो ये धनबाद में है। इसके अलावा कुछ और पर्यटन स्थल की बात करें तो तोपचाची झील है, तोपचाची अभयारण्य है, मैथन बांध, पंचेत बांध और डिगवाड़ी स्टेडियम भी कहाँ पर है? तो धनबाद में है। आपने नाम सुना होगा सिंदरी उर्वरक कारखाना का, ये भी कहाँ पर है? तो धनबाद में है। और धनबाद में ही भूली में रेलवे का प्रशिक्षण केंद्र भी स्थित है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जमशेदपुर इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, सेंद्रा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि वार्षिक सामूहिक शिकार है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। अब देखिए सेंद्रा का अर्थ की बात करते हैं, तो इसका अर्थ होता है गाइस शिकार, शिकार इसका अर्थ होता है। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं तो इस अवसर पर आदिवासी लोग क्या करते हैं कि जो दलमा की वन देवी है उसकी पूजा करते हैं। ठीक है, आदिवासी लोग। इसके अलावा बात करते हैं तो इसमें क्या किया जाता था पहले इस त्यौहार में, कि जितने भी खूंखार जानवर होते थे जंगलों में उसको सेंद्रा पर्व के अवसर पर मार दिया जाता था। ठीक है, शिकार कर दिया जाता था। लेकिन अभी वर्तमान समय में क्या है, ये शिकार करने पर प्रतिबंध हो गया, अब ये शिकार नहीं होता है। ठीक है, अगर आयोजन की बात करिएगा तो ये किस जनजाति के द्वारा आयोजन किया जाता है, तो याद रखिएगा उरांव जनजाति के द्वारा आयोजन किया जाता है। साल में तीन बार किया जाता है। देखिए कब कब किया जाता है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले किया जाता है बैसाख माह में, सुंदरा के नाम से जाना जाता है, सुसेंद्रा के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले बैसाख माह में सुसेंद्रा के नाम से जाना जाता है। दूसरी बार आयोजित किया जाता है फागुन माह में, और फागुन माह में इसे सेंद्रा के नाम से जाना जाता है। और तीसरी बार कब आयोजित किया जाता है, तो तीसरी बार आयोजित होता है वर्षा ऋतु में, जिसमें जेठ शिकार के नाम से जाना जाता है, जेठ शिकार के नाम से। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो गया गाइस, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सामूहिक
शिकार। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की। टुसू महोत्सव निम्नलिखित त्यौहार में से किसके साथ मनाया जाता है? तो पांच का करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मकर संक्रांति। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। अब देखिए हम बात करते हैं टुसू त्यौहार के, तो टुसू का अर्थ क्या होता है गाइस? टुसू का अर्थ होता है कुंवारी, कुंवारी इसका अर्थ होता है, ठीक है। और इस अवसर पर क्या होता है कि इस अवसर पर जो लड़कियां हैं वो क्या करती हैं, बांस का फ्रेम बनाती हैं, बांस का फ्रेम को तैयार करती हैं, सजाती हैं। और ये जो त्यौहार होता है गाइस ये सूर्य पूजा से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की बात कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है गाइस? ऑप्शन नंबर ए है सरहुल। अगर हम सरहुल के बारे में बात करते हैं तो जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार है, सबसे बड़ा त्यौहार है जनजातियों का, ठीक है। हालांकि अलग अलग जनजाति में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे उरांव जनजाति में खद्दी या सद्दी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद फिर बात करेगा संथाल जनजाति में बा परब के नाम से जाना जाता है, बा परब के नाम से। इसके अलावा बात करते हैं खड़िया जनजाति में जंकोर के नाम से जाना जाता है गाइस, जंकोर के नाम से। और ये फूलों का त्यौहार है, और कौन सा फूल का पूजा होता है तो याद रख लीजिएगा, उस फूल का नाम है सर्रई, और ये सखुआ का फूल होता है, ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करना चाहें, कर्मा की बात करना चाहें, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है। तो कर्मा की अगर बात करते हैं तो मुख्य रूप से आप ये याद रखिएगा कि दो तरह का कर्मा होता है, एक राजकर्मा होता है और एक देशकर्मा होता है, ठीक है। राजकर्मा के बारे में अगर हम बात करते हैं, राजकर्मा के बारे में, तो ये घरों में मनाया जाता है, और जो देशकर्मा है वो सामूहिक रूप से जो सांस्कृतिक स्थान होता है अखाड़ा या अखाड़ा, वहाँ पर इसको मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा भादो माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाया जाता है कर्मा, तो ये याद रख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फाइव का सही आंसर क्या हो गया गाइस? क्वेश्चन नंबर फाइव का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मकर संक्रांति, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की। द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल लैंग्वेज का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1840 ईस्वी में हुआ। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। वहीं पे अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की, यानी कि 1902 में किसका प्रकाशन हुआ था, याद रख लीजिएगा कि फोकलोर ऑफ द कोल्हान, जो कि प्रथम लोकगीत है, ये 1902 में प्रकाशित हुआ था। किसके द्वारा अगर पूछ लिया जाए, किसके द्वारा, तो याद रखिएगा एनके बोस के द्वारा, एनके बोस के द्वारा प्रकाशित किया गया 1902 ईस्वी में, फोकलोर ऑफ द कोल्हान, जो कि प्रथम लोकगीत है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, तो 1905 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था ग्रामर ऑफ द कोल, किसके द्वारा किया गया था, यानी कि इसके लेखक कौन है, तो याद रखिएगा ए नोटरोट है, ए नोटरोट, ठीक है। इसके अलावा 1930 के बारे में अगर हम बात करना चाहें, तो 1930 में किसका प्रकाशन हुआ था गाइस, याद रखिएगा इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका का, किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिएगा ये होफमैन के द्वारा लिखा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1840 में, ठीक है गाइस। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की। इसको गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो इसका आंसर आई होप सभी कोई जानते होंगे कहाँ स्थित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हजारीबाग। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन, हजारीबाग, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि हजारीबाग में कौन कौन से अवशेष मिले हैं और कहाँ कहाँ मिले हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसको से क्या क्या मिला है। तो सबसे पहली बात ये कि इसको है कहाँ पर गाइस, तो ये हजारीबाग में है, और यहाँ से मिला क्या क्या है, तो देखिए सबसे पहले अवशेष मिला है बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिला है यहाँ से। इसके अलावा यहाँ से मिला है खुला सूर्य मंदिर, और शैल चित्र दीर्घा भी कहाँ से मिला है, तो इसको हजारीबाग से मिला है। अब हजारीबाग में ही कुछ इंपॉर्टेंट स्थान और भी है जहाँ से अवशेष मिले हैं, जैसे सीतागढ़ पहाड़ का आपने नाम सुना होगा, ये भी हजारीबाग में स्थित है, हजारीबाग में। और यहाँ से क्या क्या मिला है, तो बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं, कहाँ से, सीतागढ़ पहाड़ से। इसके अलावा और भी हम बात कर सकते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं दूध पानी से, दूध पानी भी कहाँ पर है, तो ये हजारीबाग में है। और यहाँ से क्या मिला है, तो 8वीं शताब्दी के अभिलेख मिले हुए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और स्थान आप याद रख सकते हैं दुमदुमा, दुमदुमा भी हजारीबाग में है। और यहाँ से क्या मिला है गाइस, याद रख लीजिएगा शिवलिंग मिला है यहाँ से, शिवलिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेवन का सही आंसर क्या हो जाएगा गाइस, अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, तो इसको गुफाएँ कहाँ स्थित हैं, तो हजारीबाग इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एट की।
किस जनजाति में ग्राम के मुखिया को मुकद्दम बोला जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बैगा जनजाति में। अब देखिए बैगा जनजाति के बारे में बात करते हैं, तो इसका निवास स्थान कहां पर है गाइस? तो पलामू में है, गढ़वा में है और रांची में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करते हैं तो इसके इसमें प्रचलित विवाह कौन सा है? तो मंगनी इसमें प्रचलित विवाह है, ये याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं यानी कि चेरो जनजाति की बात करते हैं, तो चेरो जनजाति को 12 और 13 हज़ारी के नाम से जाना जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी आप याद रख सकते हैं चेरो जनजाति से रिलेटेड कि चेरो जनजाति में वधुमूल्य को क्या कहा जाता है? तो दस्तूरी कहा जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कंवर जनजाति से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन की, तो कंवर जनजाति जो कि झारखंड की 31वीं जनजाति, हालांकि 32वीं जनजाति कोल जनजाति है, आप याद रख सकते हैं, ये दोनों ही जनजाति को मान्यता कब मिली थी भारत सरकार के द्वारा? तो 8 जनवरी 2003 को इसको मान्यता गई थी। अगर हम कंवर जनजाति के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका निवास आपको पलामू में, गुमला में और सिमडेगा में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। और इसके वधुमूल्य भी इंपॉर्टेंट है, वधुमूल्य को क्या कहा जाता है? तो सुखदाम कहा जाता है, सुखदाम कहा जाता है इसके वधुमूल्य को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या बोला जाता है? तो याद रख लीजिएगा सयाना बोला जाता है, सयाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, सयाना बोला जाता है। और पुजारी को बोला जाता है बैगा, बैगा बोला जाता है पुजारी को, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हो जनजाति के बारे में, ऑप्शन नंबर सी के बारे में बात करते हैं। तो हो जनजाति क्या है? झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। अब देखिए पहली बात करते हैं तो संथाल जनजाति है, दूसरा उरांव जनजाति है और तीसरा मुंडा जनजाति है, उसके बाद हो जनजाति है जो कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, चौथी सबसे बड़ी जनजाति, ठीक है। इसके बारे में बात करें तो इसकी प्रजाति कौन सी है? तो प्रोटो एस्ट्रोलॉइड प्रजाति से बिलोंग करता है हो जनजाति। इसके अलावा इसके लिपि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिपि बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो लिपि याद रख लीजिएगा बारंग चित्ती इसका लिपि है, बारंग चित्ती। निवास के बारे में अगर हम बात करेंगे कि निवास कहाँ पर है, तो निवास इसका कहाँ है गाइस? निवास आपको पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा हो जनजाति की अगर हम बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, आलह उदह जनजाति के नायक व्यक्तित्व कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि बंजारा। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए बंजारा जनजाति के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं, तो इस जनजाति को घुमक्कड़ जनजाति कहा जाता है, घुमक्कड़ जनजाति कहा जाता है, यह याद रख सकते हैं। भाषा इंपॉर्टेंट है गाइस, इसका भाषा थोड़ा सा अलग है, लंबारी इसका भाषा है, लंबारी, ठीक है। इसके अलावा वधुमूल्य उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वधुमूल्य को क्या कहा जाता है? तो हरजी कहा जाता है गाइस, हरजी कहा जाता है इसके वधुमूल्य को, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 10 की, क्वेश्चन नंबर 10 है बथुड़ी जनजाति को किस नाम से जाना जाता है या बथुड़ी जनजाति को क्या बोला जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि भूमिज बोला जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। अब देखिए भूमिज जनजाति की बात करते हैं, तो जो बथुड़ी जनजाति है गाइस, पहले बथुड़ी जनजाति के बारे में हम बात कर लेते हैं, तो बथुड़ी जनजाति खुद को क्या कहती है? ये भूया का पूर्वज कहती है, भूया का पूर्वज, ठीक है। अच्छा पुजारी इंपॉर्टेंट है, पुजारी को क्या बोला जाता है? तो देहरी बोला जाता है इसके पुजारी को, देहरी, ठीक है। अच्छा बथुड़ी जनजाति में जो प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं अक्सर, तो कौन कौन सा है? तो याद रख लीजिएगा झाल और मांतर, झाल और मांतर इसके प्रमुख वाद्य हैं। अब हम बात कर लेते हैं भूमिज जनजाति के बारे में, भूमिज के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। और देखिए भूमिज जनजाति से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसे जनजाति का हिंदू संस्करण कहा जाता है, हिंदू संस्करण किसे कहा जाता है जनजातियों का? तो भूमिज जनजाति को कहा जाता है। और इंपॉर्टेंट ये है कि भूमिज जनजाति को धनबाद में क्या कहा जाता है? तो धनबाद में इसको सरदार के नाम से जाना जाता है, सरदार के नाम से, ये भी याद रख सकते हैं। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि भूमिज जनजाति में पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो प्रधान कहा जाता है, याद रख लीजिएगा प्रधान कहा जाता है। और पुजारी को क्या कहा जाता है? तो पुजारी को लाया कहा जाता है, लाया। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आप यहां से याद रख सकते हैं कि मुगल काल में इस जनजाति को चुहाड़ कहा जाता था, ठीक है, चुहाड़ कहा जाता था भूमिज जनजाति को। इस तरीके से 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन बिल्कुल सही समय पर मिलता रहे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।